जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं अजा एकादशी व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी कहलाती है। इस अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में हुई सभी पापों का नाश होता है। आइए सुनते हैं अजा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक काल में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। प्रभु इच्छा से उसने अपने राज्य में स्वप्न में एक ऋषि को दान कर दिया और परिस्थितिवश उसे अपनी स्त्री और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष की संकष्टी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित कर दिया। अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को चले गए। आइए सुनते हैं अजा एकादशी व्रत की विधि। अन्य एकादशियों की तरह अजा एकादशी व्रत नियमों का पालन भी दसवीं के दिन से करना चाहिए। नियमों के अनुसार दसवीं के दिन मसूर की दाल, चना, करौंदे, साग आदि भोजन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अजा एकादशी व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से मुक्त होना चाहिए। पूरे घर को जल से शुद्ध करना चाहिए तथा इसके बाद तिल के तेल या मिट्टी के लेप से स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। पूजा के स्थान पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के साथ एक कलश रखने का विधान है। इसके बाद विष्णु जी की धूप, धूल, फूल, दीप, पंचामृत आदि से पूजा करनी चाहिए। अजा एकादशी व्रत की कथा सुनने अथवा रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें
श्री विष्णु भगवान जी की पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसके उपरांत स्वयं भोजन ग्रहण करें। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ की फल प्राप्ति होती है। संपूर्ण पौराणिक कहानियों सुनने के बाद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।